किसान अंदोलन को लैके जिवें अजक हर कोई जागरूक हो गया, बच्चा बच्चा पिंडां दे विच एक गल कर लिए, औरतों की बजुर्गों की हर कोई जागरूक है। किसान पिछले 9 महीनों तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली दी बरूहां ते बैठे हुए हैं। हालांकि उन्होंने सर्दी भी अपने पिंडे ते हंडाई है, गर्मी भी अपने पिंडे ते हंडाई है, बहुत सारे उतरा चढ़ा जिहड़े किसानी अंदोलन में आए हैं। तो हुण अगर आप गल कर लिए, इस टाइम असीं खड़े हाँ चंडीगढ़ के मटका चौंक के, और इत्थे तुसीं देख सकते हो कि अज जिहड़े किसान आगू आ राकेश टिकैत उह इत्थे पहुँचण वाले आ, ते जिस ते चलदिआं बहुत सारे किसान बच्चे बजुर्ग बीबियां वह भी इत्थे संघर्ष कर रहे हैं। इत्थे उन्हां द्वारा नारेबाजी की जा रही है, किसानां दे हक विच झंडे लहरा के प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर गल कर लिए मटका चौंक की, तो मटका चौंक वह चौंक है, धरने वाला चौंक है, जिस के उत्ते लगातार ही जो सरकार के खिलाफ किसी ने नारेबाजी करनी होंदी है, सरकार दी नीतियां तो कोई अक्या हुंदा, तो इत्थे आके धरना प्रदर्शन उन्हां द्वारा किया जाता है। तो अज भी इस तरह राकेश टिकैत किसान आगू ने, वह आगू जिन्होंने किसान अंदोलन के एक जान भरती से। अगर 26 जनवरी की गल करिए, 26 जनवरी की घटना तो बाद जो किसान अंदोलन है एकदम कमजोर पै गया, पर राकेश टिकैत के हंजुआ ने किसान अंदोलन के एक नवी जान भरती, नवा जोश भरिया, किसान अंदोलन जोड़ा फिर तो खड़ा होया। तो अज भी वो इतने पहुँच रहे हैं, क्योंकि किसानों गलबात करने पहुंचे। हालांकि प्रशासन द्वारा इतने धारा 144 भी लगाई गई है, पर उन्होंने पहुँचते देखना होगा कि वह किसान आगुओं गलबात कर पाएंगे ज नहीं, किस तरह का हुंगारा मिलेगा अंदोलन। फिलहाल जोड़े इतने लोग मौजूद ने, बजुर्ग ने, बच्चे ने, बीबिया ने, उन्होंने जोश है, एक जोश के नो नारेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने गल कर कोशिश करते। सत श्रीकाल जी। माता तुम कि टाइम हो गया थोड़ा इस चौंक जाके खड़ते हुए किसानों के हक में? मैं 7 महीने हो गए इतने आंदे रोज़, तो असी कोई हारे नहीं, कोई थके नहीं, जब तक साढ़े हक नहीं मिलते तद तक असं डटे रहेंगे। जोश पूरा है? हाँ जी जोश पूरा है, पूरा जी पूरा बिल्कुल। सरकारां बेशर्म है, होर गल कोई नहीं है, सिर्फ उन्हें यही है मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती ज़्यादा हो रही है। इज्जत माना काले कानून वापस कर ले, इज्जत बरकरार रहेगी। मोदी को समझ आनी चाहिए है, मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो अगर मान लो ये सरकार मंगा नहीं मानती, तो कदों तक तुम अपना अंदोलन जारी रहेगा? हाँ जी हाँ जी अंदोलन जारी रहेगा, क्यों नहीं मनेंगे, मंगा मनिया जाएंगी। साढ़े बहुत हौसले बुलंद ने, यह साडा टेस्ट कर रहे हैं सानू, असीं कद तक जिंदा रह सकते, असीं बहुत लंबे तक जावांगे, इन्हां नूं मरन तों पहला नहीं मरदे असीं। जिस तरह के तुसी गर्मी भी इत्थे हंडाई, सर्दी भी इत्थे हंडाई, तुहाडी सेहत उस टाइम किवें दी रही, तुहाडे हौसले किवें बुलंद? मेरा हौसला तो गुरु नानक देव दे हाथ ते, गुरु गोबिंद सिंह दे हाथ ते, मैनू ये चीज़ां दा फिक्र ही कोनी। मैं एक किसान दा ड्यूटी कर रहा हाँ, जिवें गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता नूं उस लाल किले दे कोल जो भेजा से, जिदन 50 किलो चने वो दिल्ली के अंदर उतरते, 9 साल का बच्चा अपने पिता को भेज रहा उसे, वो तेरे तो बड़ा कौन है? वो फिर 5 सिंह लेके गया है, उन्होंने डके पा दिते ने दिल्ली के, सारे देश को पता। उन्हें क्या उन्होंने आख दो गुरु तेग बहादुर मुसलमान हो गया, सारे हिंदुओं की होनी हो गया, फिर उन्होंने कुछ होया तो है नहीं, उन्होंने रोक के बखाया। सारी दुनिया में इतिहास का पता, किसी को भुलेखा नहीं, हिंदू बेचारे भुलेखे पाए ने, जो 1.25 लाख नाल हिंदू एक एक लड़ेगा, मैं वेखागा हिंदू का पुत्र निकलिया। और साडे गुरुआ ने अपना हाथ रख के इन्हां डाकुआ नूं दस्या सी, और रंग जाओ समझ जा हिंदुआ ना मारो, असी हिंदुआ दे रख ते दुखी होवेगा। तुहानू सब वीडियो वाले नू पता है, गुरु गोबिंद सिंह ने किसी नू तलवार नहीं मारी, उन्हें हुक्मनामा दिता, हुक्मनामे नाली पार बोल गया। और जिस तरह राकेश टिकैत जिथे आए आ तुहानू मिलन लई आए आ स्पैशल, और उन्होंने ये भी कहा कि मूर्ति इत्थे लगाई जाऊगी, किस तरह का महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुसीं भी किसानी संघर्ष का हिस्सा? जिहड़ी जिउंदिआं दी गल हुंदी ना, वो सच्चाई हुंदी है,
जेड़े बंदे दी मरे दी मूर्ति बनानी है वो पैसा बटोलन की गल होनी। उन्हें अपने धर्म च किसानी धर्म च उन्हें मेरे सिर के उत्ते अपना हाथ धरिया। असी इतने मूर्ति है चौंक दे उत्ते तेरी चौंदे दी बनेगी। मैनू किसी गल की की टेंशन, मैं मूर्तियां बना नहीं आया, मैं तुहानू अपना पंजाबी का ज्ञान देन आया वा। मेरी पंजाबी की चिट्ठी कौन पढ़ता है? मैं जो इन्हें आवाजा मारना और मटका चौंक दो ठको। इस समय ने पलट जाना, अज पलट जाए कल पलट जाए। ये थोड़े हम सारे वीडियो वाले खड़े हो, थोड़ा हाथों से पलटिया। गूगल ने पलटाया पलटाया कि नहीं पलटाया? जे इन्हों अगर ना आवे इन्हों दिन दिन नहीं लिखो। जेड़े मैनू चुकते ने मैनू तकलीफ देंगे ने वो दिन दिन नहीं लिखो, उन्होंने रात दिन नहीं लिखना। साड़ी बेनती है, सारा है परिवार मेरा है जिन्ना मेरे दुआले खड़ा है, किसी कौम का बच्चा है वो ऐसा मेरा है। वो मटका चौंक दे खड़ा है, बाबे लाभ सिंह दे चौंक दे खड़ा है, जिते गूगल लिख दी है। अगला जेड़ा प्रोग्राम आने वाला है वो तुसा अखर नाल वेख लेना। 100 ते दुनिया जीती है, दिल्ली 101 नंबर लैके जीतेगी। ऐलान होना है, उतो जीती दे बई है। अज ऐलान हो रहे, कल हो रहे, परसों हो रहे, वो नहीं मैनू पता, वो मेरी कुदरत नू पता। जिन्हें मेरे अंग मेरे मेरी लान तो किसी को पता सी। ये चौंक बाबे लाभ सिंह ने ना गुरु नानक देव किराणिया, उसका मैं नौकर हाँ। मेरी ड्यूटी है जिस घर की कुत्ता रोटी खाता हो उस घर की हिफाजत करता है। हालांकि प्रशासन द्वारा तुम इतों उठाने की भी कोशिश की गई। सच की आवाज दे के टुर गया, वो थोड़े कागज बेच गया। हूँ थोड़ी ड्यूटी है वे अगे ये जी वीडियो चलती है भाई, एक सच्चाई की चलती है भाई, सच्चाई की वीडियो चलती है भाई। इनू कोई मने इनू ना मने ओदी अकल है। जो थोड़े सामने सच्चाई प्रगट हो गई है, चौंक प्रगट हो गया है, इन से और गल कर फायदा ही नहीं। और उन्हें मेरी इन्नी गलबात ही नहीं तुझे और दी इतने से धक्के से धक्का तो गल करना तो किसी टाइम ही नहीं। जकार आ जावे शहीदा दे मनू भावे सारे वीडियो वाले खुश हो चंगा पुत्रो भाई चलो।